पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए काफ़ी तैयारियां भी की गई थी, लेकिन इस महामारी ने हर चीज़ पर ब्रेक लगा दिया। एलयू के कुल सचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि भले ही महामारी हो, लेकिन इसका प्रभाव शैक्षणिक गतिविधियों पर नहीं पड़ा, लेकिन समारोह को मनाने के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वो स्थितियों को देखते हुए मनाए जाएंगे। विश्वविद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में चल रहा है और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो काफी चीजें बताई गई थी, काफी चीजें कही गई थी कि अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, लेकिन इस कोरोना महामारी ने कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन में रोक लगाया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं विनोद कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रोक लग गई कहीं ना कहीं तैयारियों में, काफी ज्यादा खुशी थी स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी कि अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अभी अभी आगे आगे कैसे करेंगे इसको? निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय का समा वर्ष चल रहा है और ये विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे प्रदेश और लखनऊ के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा लखनऊ का एक विश्वविद्यालय है, प्रदेश का विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय, जो अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। जहां तक कार्यक्रमों की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि जो एकेडमिक कार्यक्रम है, जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, इस पर हमारा कोई रोक नहीं लगा है। हम लोग इस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने हमारे रिसर्च हैं, शोध हैं, मैं कह सकता हूं कि और वो तेज गति से हमारे हो रहे हैं। इस पर किसी तरह का, इसके कारण, कोरोना के कारण हमारी गतिविधि प्रभावित, शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित नहीं हुई है और हम लोग बहुत अच्छे से, आप पेपर न्यूज में भी देख रहे हो कि लखनऊ विश्वविद्यालय को कई जगह बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है, तो शैक्षणिक गतिविधियाँ तो नहीं प्रभावित हुई हैं। हाँ, जो हमारी कल्चरल जो एक्टिविटी होनी थी, जो हमारे सेलिब्रेशंस होने थे, निश्चित तौर पर उस सेलिब्रेशंस को हम इस कोरोना प्रोटोकॉल के कारण नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि आगे जो 2021 होगा, वैसे तो सवा वर्ष हम नवंबर में कंप्लीट करेंगे, तो किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, इंस्टीट्यूशन की जो वर्षगांठ होती है, कंप्लीट होने के बाद ही सेलिब्रेशन का होता है, तो निश्चित तौर पर यदि हमारी जो परिस्थितियां हैं अनुकूल रहें, तो हम लोग अगले वर्ष इसको, जो हम 101वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो उस जो हमारी एक्टिविटी हैं, कल्चरल एक्टिविटी हैं या सेलिब्रेशंस के और तरीके हैं, उसको हम करने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग अच्छा करेंगे, अच्छा विश्वविद्यालय आगे। सर, बात चल रही है कोरोना महामारी की हर तरफ, आप भी इसके पीड़ित हैं, आपके भी कोरोना हो गया था, आप काफी दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे, लेकिन जिस तरीके की बातें कही जा रही कि लापरवाही बहुत ज्यादा कोरोना को लेकर हो रही है अस्पतालों में, तो सर आप भी हॉस्पिटल में भर्ती रहे, थोड़ा सा अनुभव आप प्लीज हमें बताएंगे कि जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उनको कैसा महसूस होता है और क्या डर था आपके अंदर और अब आप सही होकर आ गए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कोरोना के लिए मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमारे थोड़ा सा हम सामाजिक लोगों को, हम व्यक्तियों को एक प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। पहली बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम अपने हाथ को हमेशा समय समय पर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन यदि किसी कारणवश आपका इन्फेक्शन हो जाता है तो परेशान मत हो, गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है उस पर आप तत्काल इन्फॉर्म करके, और जो गवर्नमेंट की, अब तो मेडिसिन भी आ गई है, बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई है, मुझे लगता है कि आप अनुशासित ढंग से रहेंगे, जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जो मेडिसिन का कोर्स है, तो इससे किसी सामाजिक व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसका अनुपालन करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, वो लोग जो किसी अन्य बीमारियों से पहले से कोई इलनेस है, बीपी, शुगर या इस तरह से कह सकते हैं कि अन्य समस्याएं हैं, पहले से एस्थेमिक हैं या कुछ इस तरह की, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, तो इसके कारण बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसको एक चैलेंज के तौर पर लेना है और इससे हमें लड़ना है और इससे हमें जीतना भी है। सर, आखिरी सवाल है मेरा, कोरोना से प्रिकॉशंस की बात की, हमने देखा है आपने ये गले में पहन रखा है, ग्रीन कलर का एक कार्ड है, काफी लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने ये पहन रखा है, आपसे लेना चाहेंगे सर, क्या आप जानते हैं इसके अंदर क्या है और क्यों आपने पहन रखा है? जैसा कि हम लोग मास्क लगा रहे हैं, हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, पत्रावलियों को भी सैनिटाइज करने की, हम लोगों के सामने तो कम से कम 250 पत्रावलियां रोज आती हैं, प्रयास हम लोग करते हैं कि उनको सैनिटाइज करके, उन पर सैनिटाइज कराने के बाद ही उसको टच करें। इसकी जहां तक बात कर रहे हैं तो ये वायरस कह सकते हैं कि प्रोटेक्टर टाइप का है, ऐसा कहा गया कि मैग्नेट है और इससे आपकी बॉडी के सराउंडिंग में वायरस नहीं आपको करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वायरस को, इन्फेक्शन रोकने के लिए, लेना चाहिए, हम लोग भी ले रहे हैं।
तो लखनऊ विश्वविद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में पहुंच गया है और विनोद कुमार सिंह का कहना है कि इस महामारी की वजह से जो तैयारियां थी उस पर थोड़ा बहुत ब्रेक तो लगा है, लेकिन जब ये वर्ष पूरा होगा तो जो भी गाइडलाइंस होंगी उसके तहत जो समारोह हैं वो जरूर मनाए जाएंगे। खरबसन अंकित यादव के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे, लखनऊ। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।